नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। सहारनपुर में आज जिला चिकित्सालय में प्रेस वार्ता करते हुए डॉक्टर सुनील वर्मा और डॉक्टर आनंद ने बताया कि सरकार द्वारा जनपद सहारनपुर में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जनपद के चयनित 93 गांवों में विशेष सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अपने सहारनपुर के 93 गाँव चिन्हित किए गए हैं, 11 ब्लॉक के 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक सघन मिशन इंद्रधनुष को ये अभियान चलाया जाएगा। सबको, जिसको जो भी टीका छूटा हुआ है उम्र के हिसाब से, सारे टीके उनको लगाए जाएंगे। और इसके साथ साथ जो नए बच्चे पैदा होते रहेंगे, आते रहेंगे, क्योंकि टीकाकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि कभी समाप्त होने वाला नहीं है, और उनका टीकाकरण करते रहेंगे। सहारनपुर में आज पुलिस लाइन में अखिल भारतीय मौर्य महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा सहारनपुर में आपराधिक किस्म के व्यक्ति अपराध कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर आज SSP को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विनय सैनी, संदीप सैनी, अंकित सैनी, अभिलाष सैनी, पंकज सैनी सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कलाकल यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कलाकल यूनिवर्सिटी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिहादियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिहादियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो। सहारनपुर 19 तारीख की रात को दिल्ली रोड स्थित रंगोली गार्डन में जितेंद्र कुमार गोरियान की बेटी की शादी थी, जिसमें किसी बात को लेकर दो पक्षों में गाली गलौच और मारपीट होने लगी, जिसके चलते आज पुलिस लाइन में आज इस सारे मामले से SSP को अवगत कराने आए और पुलिस सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह पर आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल भी छीन लिया। 19 तारीख की रात को रंगोली गार्डन में अपने निजी फंक्शन में गया, सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह ने इनके साथ मारपीट की, इनका मोबाइल छीन लिया। हसनपुर शिकायत करने गए तो पता लगा मुलजिम वहाँ पहले ही बैठे मिले, उन्होंने वहाँ भी इनके साथ बदतमीजी की। इनकी कोई FIR नहीं लिखी गई, कोई मेडिकल नहीं कराया गया, अपने स्तर पर उन्होंने अपना मेडिकल कराया गया। हम SSP साहब से मिलने आए हैं कि पुलिस वालों को बदमाशी करने का लाइसेंस क्या आपने दिया हुआ है? क्या पुलिस वाले किसी भी आदमी को कहीं भी बेइज्जत कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं? क्या यही योगी राज है? क्या यही मोदी राज है? अगर ऐसा है तो हम ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी मांग ये है कि अपराधियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा कायम हो और तुरंत जेल भेजा जाए। सहारनपुर में आज एक महिला से रेप का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित महिला अपने परिवार सहित पुलिस लाइन पहुंच SPCT को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई, जिसमें महिला ने अपने ही ससुर पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया। और जब पीड़िता ने अपने पति को यह बात बताई तो उसके पति ने भी उसकी जमकर पिटाई की। ससुर ने क्या किया आपके साथ? बलात्कार किया 2 बार रात। क्या आपने विरोध नहीं किया इसका? उन्होंने मुझे कहा अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो तेरे भाई को मार देंगे। अच्छा। धमकी दी मुझे और मेरे खिलाफ पुलिस में महिला थाने में रिपोर्ट कर रखी कि मैं 15 तोला सोना और 1.5 लाख रुपए लेके। जब आपने पति को बताया आपने, उसने क्या किया? उसने मुझे बेल्ट से मारा बहुत। अच्छा, फिर आज कहाँ हैं आप, किससे मिले आप? आ गए SPCT साहब से पास आए जी? यहाँ पे आए। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ और मुझे वहाँ नहीं जाना।